हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारे पास इंग्लिश की क्लास 5 की पीटल्स पुस्तक की वर्कबुक है, जिसमें हम अपने लेसन 7 पीपल हु हेल्प अस का एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद। बच्चों, आप देख रहे हैं लेसन नंबर 7, पीपल हु हेल्प अस, लोग जो हमारी मदद करते हैं। इन अवर सोसाइटी देर आर सो मैनी पीपल, दे विल हेल्प अस। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, ये हेयर कट, इसको हम बोलते हैं बार्बर। नेक्स्ट है आपका कारपेंटर। नेक्स्ट ये टाइप हु मेक्स। आइए हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्चर्स को देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर दीजिए। कहना है हु कट्स हेयर, हेयर कौन कट करता है? बार्बर। तो यहाँ पर हम इंग्लिश नाम लिखेंगे बार्बर यानी नहीं। हु मेक वुडन ऑब्जेक्ट, लकड़ी की वस्तुएं कौन बनाता है? इसको हम बोलते हैं कारपेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है हु मेंड द शूज, जूते कौन गांठता है? इसको हम बोलते हैं कोबलर, COBBLER, मोची। हु स्टिचेस द क्लॉथ, कपड़ों की स्टिचेस कौन करता है यानी कपड़े कौन सिलता है? ये होता है हमारा टेलर, TALOR, ये हो गया आपका टेलर। तो ये पहला आपका प्रश्न था, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला बार्बर यानी कि हु कट हेयर। नेक्स्ट है हु मेक वुडन ऑब्जेक्ट्स, कारपेंटर। नेक्स्ट है कोबलर और नेक्स्ट टेलर। अब आगे क्वेश्चन, लुक एट द टूल्स एंड राइट द नेम ऑफ पर्सन हु यूज देम। आप इन टूल्स को देखिए और बताइए कौन इन टूल्स का उपयोग करता है। दिस इज ए स्विंग मशीन, लिखा है इट इज ए स्विंग मशीन, हु यूजेस इट, ये सिलाई की मशीन है, इसको कौन यूज करता है? तो इसका नाम आपको बताया था टेलर। नेक्स्ट है इट इज ए ट्रॉवल, ये ट्रॉवल है, इसे कौन मकान बनाने वाला, हु यूजेज इट, इसको हम बोलते हैं मैसोन, MESON, कारीगर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, इट इज ए स्टेथोस्कोप, हु यूजेज इट, स्टेथोस्कोप का यूज कौन करता है? हम सभी जानते हैं DOCTOR, डॉक्टर। नेक्स्ट है इट इज ए सॉ, यह एक आरी है, लकड़ी काटने काम आती है, हु यूजेज इट, कारपेंटर, PAINTER, कारपेंटर। इस तरह से ये भी हमारा अगला प्रश्न पूरा होता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न भी हो गया, लेसन नंबर 7 वर्कबुक क्लास 5 पीटल्स। अगला प्रश्न, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपके दो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, इन कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और सेंटेंस को पूरा करना है, और जो सेंटेंस पूरा होगा उसको नीचे जो स्पेस दिया गया उसमें आपको लिखना है। जैसे कि लिखा हुआ है ए बेकर बेक्स
बिस्किट्स, ब्रेड एंड केक्स। इसी तरह से आपको अन्य भी मैच करने हैं, जैसे कि दूसरा है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। तो अब आपको यहाँ ये भी लिखना होगा। नेक्स्ट है लॉयर, लॉयर क्या करता है, लॉयर प्लीट केसेस। लॉयर को सेकंड पार्ट में ला दिए, लॉयर प्लीट केसेस। प्लम्बर, प्लम्बर फिट वाटर पाइप, टैप्स एट्सेट्रा। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, इट इज वर्क ऑन कंप्यूटर। ये आपका हुआ। अब लास्ट बचा कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स चेयर एंड टेबल्स। अब इनको आपको यहाँ भी लिखना है, जैसे आप सेकंड सेंटेंस लिख सकते हैं ए डॉक्टर, ए डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ट्रीट्स पेशेंट। इसी तरह से अन सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे लॉयर प्लीट केसेस, प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप एंड टैप एट्सेट्रा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिस इज योर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अवर कम्युनिटी हेल्पर एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन इन द गिवन स्पेसेस, टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में नाम लिखे हैं, उन चित्रों को देख करके उन बॉक्स से इनके नाम यानी ऑक्यूपेशन नेम है यानी इनके व्यवसायों के नाम है, उनको आपको छांट के लिखना है। जैसे इसको आप चित्र को देख रहे हैं, ये क्या काम करता है, फोटो खींचने का। ये क्या है, सोल्जर है, डॉक्टर है, ये बेकर है, इसको सेफ बोलते हैं, सेफ। ये एक वाशरमैन है और नेक्स्ट टीचर है। तो यहाँ पर देखिए आपके सारे नाम लिखे हैं, वाशरमैन, सेफ, खाना पकाने वाले को बेकर के साथ साथ सेफ भी कहा जाता है, फोटोग्राफर, टीचर, डेंटिस्ट, सोल्जर एट्सेट्रा। चलिए पहला क्या है, फोटोग्राफर, तो इसका आप नाम लिखेंगे फोटोग्राफर। नेक्स्ट है सोल्जर, SOLDIER। नेक्स्ट है ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर के साथ में डेंटिस्ट डॉक्टर है, यहाँ पर डेंटिस्ट लिखा हुआ है, DENTIST डेंटिस्ट। नेक्स्ट है वाशरमैन, अगला है टीचर, एक आपका बच्चा वो है सेफ, CHEF, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। बेकर को, बेकर का ही दूसरा नाम होता है सेफ। नेक्स्ट, पिक आउट द बर्ड फ्रॉम द बैलून एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आपके यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं, गिव्स, हेल्प, ब्रिंग्स, कीप्स, सिट्स, लव्स, रन्स, प्लेस, टेक, सीट्स, इस तरह से। तो यहाँ पर हेल्प भी है, जैसे कि पहला सेंटेंस है, इसमें एक क्रिया रखनी है, मोहन हिज फादर इन हिज वर्क, यहाँ पर क्या हो सकता है, हेल्प्स। मोहन अपने पिता की अपने कार्य में मदद करता है, हेल्प्स। नेक्स्ट है द हेयर, घोड़ी जो है, फास्ट, रन फास्ट, हेयर माने खरगोश, तेजी से दौड़ता है, राधा, टेक हर डॉग ए बाथ डेली, टुक ए बाथ, यहाँ पर टेक हो जाएगा, TAKS। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर फीड द बर्ड इन द मॉर्निंग, फीड्स, FEEDS, फीड्स मतलब भोजन देना। माई मदर लव्स मी, सोहन प्ले फुटबॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, मदर टेक केयर ऑफ अस, टेक्स केयर,
पोस्टमैन ब्रिंग्स पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर ममता बुक ऑन द टेबल प्रॉपरली कीप्स ममता कीप्स द बुक ऑन द टेबल प्रॉपरली अनीता ऑलवेज सिट्स इन फ्रंट रो अनीता ऑलवेज सिट्स इन फ्रंट रो इन सर्कल द बर्ड ऑफ द गिवन ग्रिड टू फाइंड द पीपल हु हेल्प अस एक आपके साथ में ग्रिड दी गई है इस ग्रिड में आपको कई नाम ढूंढने हैं जैसा कि हमने यहाँ पर पहले टिक लगा रखा है जैसे एक नाम है टी ए आई एल ओ आर टी एल आर दूसरा है पी ओ एस टी पोस्टमैन यहाँ पर एक नाम लिख भी रखा है कारपेंटर अब आपको दूसरा नाम लिखना है यहाँ पर टी ए आई एल ओ आर टेलर हो गया कार सी ए आर पी ई एन टी ई आर कारपेंटर तीन हो गए अगला है पोस्टमैन नेक्स्ट पोस्टमैन और देखिए क्या है गार्डनर गार्डनर डी ई एन ई आर अभी तीन नाम और हैं आपके डॉक्टर दो नाम आपके बचे वाशरमैन भी हो गया अभी नहीं वाशरमैन भी लिखना है यहाँ पर वाशरमैन नेक्स्ट है कारपेंटर पोस्टमैन गार्डनर टेलर वाशरमैन फार्मर लास्ट इस ग्रिड में हमने जो नाम सर्च किए वो हमको यही आठ नाम मिले हैं पहला कारपेंटर दूसरा टेलर कारपेंटर यहाँ डबल लिख गया पोस्टमैन गार्डनर डॉक्टर वाशरमैन और फार्मर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद